कृषि विभाग द्वारा इस वर्ष गेहूं का बीज बिलासपुर में ही उत्पादित करवाया जाएगा। इसके लिए विभाग ने पूरी योजना तैयार कर ली है तथा इसके लिए 175 हेक्टेयर भूमि का चयन भी कर लिया है। जानकारी के अनुसार प्रदेश सरकार के दिशा निर्देशों और किसानों की आय वर्ष 2022 में दोगुनी करने के उद्देश्य से कृषि विभाग द्वारा जिला के किसानों से गेहूं का बीज उत्पादित करवाया जाएगा। इसे जहां कृषि विभाग को जिला में ही उन्नत किस्म का बीज मिलेगा, वहीं बाहरी राज्यों से बीज खरीदने के लिए दिए जाने वाला पैसा भी जिला में ही रहेगा तथा संबंधित पैसा जिला के किसानों में ही बंटेगा, जिससे उनकी आय में भी वृद्धि होगी। विभाग ने जिला के बस्सी मजारी जुखाला व ओहर के पास इसके लिए किसानों की करीब 175 हेक्टेयर भूमि का चयन कर लिया है तथा विभाग द्वारा चयनित किसानों को जरना ग्रेड का बीज उत्पादित करवाया जाएगा। यहां सबसे अहम बात ये है कि विभाग द्वारा किसानों से उनके घर द्वार पर ही बीज को क्रय किया जाएगा, जिससे न केवल किसानों की समय की बचत होगी बल्कि उनका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी बचेगा। जानकारी के अनुसार बस्सी व मजारी के किसान उनके द्वारा उत्पादित किए जाने वाले बीज को उनके घर द्वार पर खरीदने की विभाग से मांग कर रहे थे। किसानों का तर्क था कि बिलासपुर में आकर बीज देने से न केवल उनका समय बर्बाद होता है बल्कि ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा देने से उन्हें आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ता है, जिस पर विभाग ने ये निर्णय लिया है। जानकारी के अनुसार जिला में करीब 27,000 हेक्टेयर भूमि पर गेहूं की बिजाई की जाती है और इसके लिए विभागीय स्तर पर किसानों को बांटने के लिए करीब 4,000 क्विंटल बीज की जरूरत रहती है। जानकारी के अनुसार कृषि विभाग द्वारा गत वर्ष किसानों से 2,350 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से गेहूं के बीज की खरीद की गई थी। कृषि विभाग बिलासपुर के उपनिदेशक डॉक्टर कुलदीप सिंह पटियाल ने बताया कि बीज उत्पादन के लिए किसानों की 175 हेक्टेयर भूमि चिन्हित की गई है। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा समय समय पर संबंधित किसानों के खेतों में जाकर गेहूं के बीज की फसल का आंकलन किया जाएगा तथा विभागीय विशेषज्ञों द्वारा किसानों को समय समय पर इसके लिए आवश्यक सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्होंने बताया कि किसान बिजाई के समय ही खाद का प्रयोग करें। उन्होंने कहा कि जिला में ही बीज तैयार होने से किसानों की आय में वृद्धि होगी। बिलासपुर जिला में जो है गेहूं का क्षेत्रफल है वो 27,000 हेक्टर के करीब है। तो इस वर्ष सरकार की तरफ से, विभाग की तरफ से दिशा निर्देश जारी हुए हैं कि जो भी गेहूं की बीज का उत्पादन है वो जिले में ही किया जाए। तो उसके लिए कृषि विभाग जो है वो जो हमारे ब्लॉक खंड स्तर पे विषयवाद विशेषज्ञ हैं, कृषि प्रसार अधिकारी हैं, उनको दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि जो हमारे पास ब्रीडर सीड और फाउंडेशन सीड आया है वो किसानों में वितरित किया जाए और इन किसानों से जो है वो सीड जो है बीज ग्रेप का बीज वो लिया जाए। इस साल 175 हेक्टेयर एरिया जो है बिलासपुर जिला में चिन्हित किया गया है, जिसके अंतर्गत जो है गेहूं का बीज का उत्पादन किया जाएगा और किसानों से जो गेहूं है उनके घर द्वार पे झरना ग्रेडेड जो है वो लिया जाएगा। मजारी और हमारे बस्सी क्षेत्र थे वो किसान कई दिनों से मांग कर रहे थे कि हमारा जो गेहूं है वो हमारे घर द्वार पे जो है वो उत्पादन के बाद दिया जाए बीज के लिए, क्योंकि यहाँ बिलासपुर जो है था वो काफ़ी दूर पड़ जाता है तो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, इससे किसान जो है गेहूँ दे नहीं पा रहा था। तो इस साल विभाग ने ये निर्णय लिया है कि मजारी और दूसरे एरियों से जो बस्सी वगैरह है या ब्लॉक के दूसरे भी हैं तो उनसे हम जरना ग्रेडेड सीड जो है वो किसानों से लेंगे और उनके दाम जो निर्धारित किए जाते हैं, जैसे पिछले वर्ष 2,350 रुपये इसका गेहूँ का बीज जो था बीज उद्देश्य के लिए वो लिया था, उस हिसाब से इस साल भी ऐसा कि जो अच्छा बीज होगा उसके दाम भी लगभग 24-25 रुपये से कम नहीं होंगे तो वो हम किसानों से लेंगे। किसानों से ही अनुरोध रहेगा कि वो बिजाई लाइनों में करें और खाद वगैरह जो है 12-32-16 वो बिजाई के इसमें डालें और आगे जो है जैसे दिशा निर्देश विभाग के या डायरेक्टर सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी के जो पदाधिकारी हैं जब
खेतों में निरीक्षण करने आते हैं, तो उसके जो दिशा निर्देश हैं उनका पालन करें ताकि गेहूँ का उत्पादन जो है, बीज का उत्पादन ठीक हो सके। और जो पैसा हम बाहर के प्रदेशों में जो बेचते थे बाहर के किसानों को, वो हम अपने किसान जो जिले के किसान वो लाभान्वित हों, तो इनकम उनकी आमदन भी बढ़ेगी। और जो प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जो है ये कि किसानों की आय दुगना कैसे करनी, तो उसमें एक कदम है इस ओर विभाग की तरफ से।